दोस्तों आई 2024 में आज के दिन टोटल दो मैच खेले गए थे जहां पे पहला मैच सनराइजर्स हैदराबाद और गुजरात टाइटंस के बीच खेला गया था और दूसरा मैच चेन्नई सुपर किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच खेला गया था और इन दोनों मैचों के खत्म होने के बाद आई 2024 के पॉइंट टेबल में जबरदस्त बदलाव देखने को मिला तो आज के इस वीडियो में हम आपको आई पी का नया पॉइंट टेबल बताएंगे और हम आपको ये भी बताएंगे कि पर्पल कैप ऑरेंज कैप किस प्लेयर के पास मौजूद है तो यह वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसीलिए इस तो दोस्तों शुरू करते तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि अगर आप लोग आईपीएल के किसी भी मैच का हंड्रेड परसेंट एक के साथ टॉस और मैच का प्रेडिक्शन जानना चाहते हैं तो टॉनी भाई के साथ कांटेक्ट करें उनका सभी डिटेल्स इस वीडियो के कमेंट में और आपके स्क्रीन के ऊपर दिख पा रहा होगा पूरे आईपीएल में इनका प्रिडिक्शन सबसे बेस्ट है तो एक बार इनके साथ कांटेक्ट जरूर करें ये सभी मैचों के टॉस और मैच का एक्यूरेट प्रिडिक्शन आपको देंगे तो चलिए फ्रेंड्स अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आई पी एल दो हजार चौबीस में आज का नया पॉइंट टेबल बता देते हैं तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि आई पी एल दो हजार चौबीस में आज के दिन टोटल दो मैच खेले गए थे जहां पे पहला मैच गुजरात टाइटंस और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच खेला गया था और एसआरएच की टीम ने पहले बैटिंग करते हुए सम्मानजनक स्कोर बनाया था लेकिन गुजरात टाइटन्स की टीम आसानी से उस मैच को जीत गई और इसके बाद दूसरा मैच चेन्नई सुपर किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच पूरी तरीके से खत्म हो चुका है और इन दोनों मैचों के खत्म होते ही आईपीएल के पॉइंट्स टेबल में बहुत बड़ा उलटफेर देखने को मिला तो आइए बात करते हैं आई 2024 के नए पॉइंट टेबल के बारे में तो पॉइंट टेबल में दसवें स्थान पे है पांच बार की चैंपियन और हार्दिक पांड्या की कप्तानी वाली यानी कि मुंबई इंडियंस की टीम और मुंबई इंडियंस ने आई 2024 में अभी तक कुल दो मैच खेले और दोनों मैचों में बैक टू बैक मुंबई इंडियंस की टीम को हार का सामना करना पड़ा तो अभी मुंबई इंडियंस की टीम टोटल दो में से दो मैच हारने के चलते जीरो अंकों के साथ पॉइंट टेबल में सबसे नीचे यानी कि बॉटम पे है और मुंबई इंडियंस का नेट रन रेट माइनस जीरो दशमलव नौ दो पांच है और यह टीम अपना अगला मैच अपने होम ग्राउंड पे खेलेगी तो उस मैच में जीत दर्ज करके मुंबई की टीम पॉइंट टेबल में खाता खोलना चाहेगी वहीं पॉइंट टेबल में अगले पोजिशन पे आईपीएल इतिहास की सबसे मोस्ट पॉपुलर टीम और फाफू प्लेस की कप्तानी वाली यानी कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम ने आईपीएल 2024 में अभी तक टोटल तीन मैच खेले जहां पे सिर्फ और सिर्फ एक मैच में ही रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को जीत मिली और दो मैचों में आर टीम को कराड़ी शिकस्त का सामना करना पड़ा तो अभी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम टोटल तीन में से एक मैच जीतने के चलते सिर्फ दो अंक बना पाई है और आर टीम का नेट रन रेट माइनस जीरो दशमलव सात एक एक है और आर की टीम आई पी में अपना अगला मैच दो अप्रैल को लखनऊ सुपर जाइंट के खिलाफ अपने होम ग्राउंड पे खेलेगी तो उस मैच में आज किसी भी कंडीशन में जीत दर्ज करना चाहेगी वही पॉइंट टेबल में आठवें स्थान पे है आज के मैच में जीतने वाली टीम यानी कि ऋषभ पंत की कप्तानी वाली दिल्ली कैपिटल्स की टीम और दिल्ली कैपिटल्स ने आई 2024 में अभी तक टोटल तीन मैच खेले जहां पे आज पहली बार दिल्ली कैपिटल्स को जीत मिला और दो मैच में यह टीम हार गई थी तो अभी दिल्ली कैपिटल्स टोटल तीन में से एक मैच जीतने और दो मैच हारने के चलते दो अंकों के साथ पॉइंट जैसी मजबूत में सातवें स्थान पे है शिखर कर धवन की कप्तानी वाली यानी की पंजाब किंग्स की टीम और पंजाब किंग्स ने आईपीएल 2024 में अभी तक टोटल तीन मैच खेले जहां पे सिर्फ और सिर्फ एक मैच में पंजाब किंग्स को जीत मिली और दो मैचों में पंजाब किंग्स की टीम को कराड़ी शिकस्त का सामना करना पड़ा तो अभी पंजाब किंग्स की टीम टोटल तीन में से सिर्फ एक मैच जीतने के चलते दो अंकों के साथ पॉइंट टेबल में सातवें पायदान पे है और पंजाब किंग्स का नेट रन रेट माइनस जीरो दशमलव तीन तीन सात है और पंजाब किंग्स की टीम आई के पॉइंट टेबल में करेंटली काफ़ी खराब कंडीशन में है तो ये टीम आने वाले मैचों में किसी भी कंडीशन में जीत दर्ज करना चाहेगी इसके बाद पॉइंट टेबल में छठवें पायदान पे है के राहुल की कप्तानी वाली यानी कि लखनऊ सुपर जाइंट की टीम और लखनऊ सुपर जैंट ने आई 2024 में अभी तक टोटल दो मैच खेले जहां पे पहले मैच में यह टीम राजस्थान से हार गई थी लेकिन अपने दूसरे मैच में लखनऊ सुपर जाइंट ने शानदार प्रदर्शन करते हुए जीत दर्ज किया तो अभी लखनऊ सुपर जाइंट टोटल दो में से एक मैच जीतने और एक मैच हारने के चलते दो अंकों के साथ पॉइंट टेबल में छठवें पायदान पे है और लखनऊ सुपर जायट का नेट रन रेट प्लस जीरो दशमलव दो पांच है और लखनऊ सुपर की टीम आई पी एल दो हजार चौबीस में अपना अगला मैच अप्रैल को आर सी जैसी मजबूत टीम के खिलाफ खेलेगी इसके बाद पॉइंट टेबल में पे है पैट कमिंस की कप्तानी वाली और आज के मैच की हारने वाली टीम यानी कि सनराइजर्स हैदराबाद की टीम और सनराइजर्स हैदराबाद ने आई पी एल दो हजार चौबीस में अभी तक टोटल तीन मैच खेले जहां पे सिर्फ एक मैच मैच में सनराइजर्स हैदराबाद को जीत मिली और दो मैचों में सनराइजर्स हैदराबाद की टीम को हार का सामना करना पड़ा तो अभी सनराइजर्स हैदराबाद की टीम टोटल तीन में से एक मैच जीतने और दो मैच हारने के चलते दो अंकों के साथ पॉइंट टेबल में पांचवें पायदान पे मौजूद है और सनराइजर्स हैदराबाद का नेट रन रेट प्लस जीरो दशमलव दो जीरो चार है और यह टीम जितनी मजबूत है उस हिसाब से मैच नहीं जीत पा रही है। इसके बाद पॉइंट टेबल में चौथे स्थान पे है आज आज के मैच की विनर और पिछले साल की उप विजेता यानी कि शुभमन गिल की कप्तानी वाली गुजरात टाइटंस की टीम और गुजरात टाइटंस ने आई 2024 में अभी तक टोटल तीन मैच खेले जहां पे दो मैचों में गुजरात टाइटंस की टीम को वन साइडेड जीत मिला और सिर्फ एक मैच में इस टीम को हार मिला तो अभी गुजरात टाइटंस की टीम टोटल तीन में से दो मैच जीतने और सिर्फ एक मैच हारने के चलते चार अंकों के साथ पॉइंट टेबल में चौथे पायदान पे है और गुजरात टाइटंस का नेट रन रेट माइनस जीरो दशमलव सात तीन आठ है और गुजरात टाइटंस की टीम आईपीएल 2024 के पॉइंट टेबल में करेंटली फोर्थ पोजीशन पे है और यह टीम शानदार जीत बैक टू बैक प्राप्त कर रही है इसके बाद पॉइंट टेबल में तीसरे स्थान पे आईपीएल इतिहास की पहली चैंपियन और संजू सैमसन की कप्तानी वाली यानी कि राजस्थान रॉयल्स की टीम और राजस्थान रॉयल्स ने आईपीएल दो में अभी तक टोटल दो मैच खेले और दोनों मैचों में बैक टू बैक इस टीम को जीत मिला तो अभी राजस्थान रॉयल्स की टीम टोटल दो में से दो मैच जीतने के चलते चार पे मजबूती से काबिज है और राजस्थान रॉयल्स का नेट रन रेट प्लस जीरो दशमलव आठ जीरो जीरो है और राजस्थान की टीम करेंटली आई के पॉइंट टेबल में बहुत ही सही कंडीशन में है इसके बाद पॉइंट टेबल में दूसरे स्थान पर है दो बार की विजेता और श्रेसैयर की कप्तानी वाली यानी कि कोलकाता नाइट नाइट राइडर्स की टीम और कोलकाता नाइट राइडर्स ने आईपीएल 2024 में अभी तक टोटल दो मैच खेले और दोनों मैचों में कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम को बैक टू बैक टू शानदार जीत मिला जहां पे दोनों मैचों में एक तरफ अंदाज में के की टीम को जीत मिला तो अभी कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम टोटल दो में से दो मैच जीतने के चलते चार अंकों के साथ पॉइंट टेबल में तीसरे पायदान पे है और कोलकाता नाइट राइडर्स का नेट रन रेट प्लस एक दशमलव जीरो चार सात है और कोलकाता की टीम करेंटली आई के पॉइंट टेबल में टॉप टू में है जो की KKR के फैंस और KKR की टीम के लिए बहुत ही बढ़िया न्यूज चैंपियन और चेन्नई किंग्स, किंग्स ने आईपीएल 2024 में अभी तक टोटल तीन मैच खेले जहां पे पहले दो मैच में इस टीम को जीत मिली लेकिन आज तीसरे मैच में जैसे ही ये टीम घर से बाहर गई तो इस को दिल्ली कैपिटल्स ने हरा दिया तो अभी चेन्नई सुपर किंग्स टोटल तीन में से दो मैच जीतने और एक मैच हारने के चलते चार अंक के साथ पॉइंट टेबल में सबसे टॉप यानी कि शिखर पे है और चेन्नई सुपर किंग्स का नेट रन रेट प्लस एक दशमलव तीन जीरो जीरो है, तो ये था में आज का नया पॉइंट टेबल पर्पल कैप कैप ऑरेंज के बारे में बात करें तो ऑरेंज कैप करेंटली जो है वो विराट कोहली के पास है और पर्पल कैप मुस्ताफिजुरहमान के पास है तो यह था आईपीएल का नया पॉइंट टेबल पर्पल कैप ऑरेंज कैप से रिलेटेड सब इंफॉर्मेशन वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में